मुंबई में सुपरस्टार अजय देवगन के भाई अनिल देवगन का बीती रात निधन हो गया है। ये जानकारी अजय ने ट्वीट करके दी। अजय ने ट्विटर पर लिखा कि कल रात मैंने अपने भाई अनिल देवगन को खो दिया है। उनके असमय निधन ने हमारे परिवार का दिल तोड़कर रख दिया है। अजय देवगन फिल्म्स और मैं उनकी कमी को हर पल महसूस करेंगे। लखनऊ में बिजली पर मचे हाहाकार पर यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन भी कूद पड़ा है। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मांगे पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ही उनके साथ रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। फिलहाल चौटाला को होम आइसोलेशन में रखा गया है और उनके साथ रहने वाले सभी का टेस्ट कराया जा रहा है। सुल्तानपुर में दोस्तपुर थाना इलाके में कुछ वक्त पहले हरिप्रसाद जायसवाल नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार न करके उसके साथियों को जेल भेज दिया, जिसके बाद से ही मुख्य आरोपी उन्हें धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार पिछले काफी अरसे से न्याय की आस में भटक रहा है। सुल्तानपुर के तहसील बल्दीराय में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां आए सभी फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों को सुनते हुए उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिए। सुल्तानपुर जिले में ग्राम सभा तियारी के रहने वाले बीएसएफ के जवान अजमल की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब होने की वजह से निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गांव तियारी में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर बीएसएफ की तरफ से उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अमेठी में राज्य मंत्री सुरेश पासी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के फूलचंद ने पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र देकर आरोप लगाया है कि कुछ दिनों पहले ही उनके बेटे का अपहरण करके राज्य मंत्री के सामने अनुराग मिश्र आदि के खिलाफ हरिजन एक्ट की तहरीर पर हस्ताक्षर करवाकर गलत हरिजन एक्ट लगवाया गया था। वही मंत्री ने अनुराग मिश्र द्वारा बैनामा भूमि पर कथित रिश्तेदार का कब्जा करवाकर निर्माण भी करवाया है। अमेठी में ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए इस बार खुद डीएम के नाम का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल कुछ लोगों ने डीएम के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और उसके बाद लोगों से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। फिलहाल इस वारदात की सूचना मिलते ही डीएम ने तत्काल प्रभाव से आईडी को बंद कराकर इन चालबाजों के खिलाफ एफआईआर लिखने के दिशा निर्देश दिए हैं। अमेठी में थाना जगदीशपुर क्षेत्र के थौरी बैरियर के पास से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर अभिषेक कुमार पासी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं चोर की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 3 बाइक भी बरामद कर ली है। अमेठी में थाना संग्रामपुर क्षेत्र के मनिकापुर मंडौली गांव में 12 साल के एक बच्चे ने अपने घर के बाहर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य नवरात्रि और दशहरा से शुरू हो सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि टेस्ट फाइलिंग का काम पूरा हो गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि राम मंदिर के लिए दान में अब तक 100 करोड़ यानी 1 अरब रुपए आ चुके हैं। अयोध्या में फिल्मी कलाकार 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक वर्चुअल रामलीला का मंचन करेंगे। लक्ष्मण किले से होने वाले इस मंचन का सीधा प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और अयोध्या में कई जगह बड़ी LCD लगाकर कराया जाएगा, जिसका दर्शक पूरा आनंद ले सकेंगे। इसमें अभिनेता असरानी नारद की भूमिका निभाएंगे। तो वहीं इस दौरान मनोज तिवारी, राजा मुराद, सांसद रवि किशन सहित कई फिल्मकार इस रामलीला में शामिल होंगे। अयोध्या के जिला मुख्यालय तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के 85वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुमन पांडे समेत कई लोग इस समारोह में शामिल हुए। प्रतापगढ़ में कोतवाली लालगंज के सगरा सुंदर बाजार में एक अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दौरान बोलेरो भी पलट गई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
बहराइच में मटेरा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात उपखंड अधिकारी हर्षराज रस्तोगी ने हड़ताल में शामिल न होने पर संविदा लाइनमैन को गला दबाकर मारने की कोशिश की। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के सरकारी कर्मचारियों ने 5 तारीख को अनिश्चितकाल हड़ताल घोषित की थी, जिसमें लाइनमैन आलम शामिल नहीं थे, जिससे SDO काफी नाराज थे। बाराबंकी में रामनगर ब्लॉक के लुधौरा गांव में सोमवार को कृषि मंत्री ने सैटेलाइट से ली तस्वीर के आधार पर पराली जलाने वाले किसान पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। रामपुर में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह और SP शगुन गौतम ने तहसील बिलासपुर में फरियादियों की समस्याओं को सुना। इसी के साथ उन्होंने सभी की संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया। रामपुर में स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कार्यालय में हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह और जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी। रामपुर में थानास्वार क्षेत्र के बाजार में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सुभान उर्फ पापू को फर्जी नंबर प्लेट लगी एक बाइक के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 किलो 400 ग्राम डोडा चूर्ण भी बरामद किया है। रामपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने गश्त कर चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने जिले के सर्राफा मार्केट, चाकू मार्केट और मिस्टनगंज समेत कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। इसी के साथ उन्होंने इन जगहों पर मौजूद सभी महिलाओं और लड़कियों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी। रामपुर में सिविल लाइन थाना इलाके के लालाजार बाग में सपा अध्यक्ष आजम खान के करीबी CEO आले हसन के अवैध बेसमेंट पर RDA ने बड़ी कार्रवाई की है। RDA ने बुलडोजर चलवाकर पूरी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया है। आपको बता दें कि RDA ने आले हसन को कई बार नोटिस भी भेजा था, बावजूद इसके वो अपनी मनमानी करते रहे। मुरादाबाद में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के आह्वान पर प्रदेश मंत्री आचार्य राजेश शर्मा ने ब्राह्मण हुतात्माओं की शांति के लिए सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने आचार्य से कहा कि समय रहते ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो भगवान परशुराम का फरसा लेकर ब्राह्मणों को अपनी रक्षा के लिए स्वयं ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में ई रिक्शा चालकों ने अपने साथ हो रही उत्पीड़न के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ई रिक्शा चालकों की माने तो पुलिस चेकिंग के बहाने उसे जबरन धन उगाही करती है, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुरादाबाद के मोड़ा पांडे क्षेत्र के टोल प्लाजा पर भारतीय किसान भानुगुट के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल और चीनी मिलों पर बकाए भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ सभी ने सरकार से बिल को वापस लेने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। मुरादाबाद के थाना भोजपुर में मंसूरपुर गाँव के एक खेत में 16 साल के लड़के की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बदायूं में तहसील विसौली के जखौलिया गांव में रहने वाली नीरजा ने ग्राम प्रधान पर सरकारी आवास में से 15,000 रुपए हड़पने और प्लॉट पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो उसने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। संबल में थाना चंदौसी पुलिस ने IPL क्रिकेट मैच की ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़ कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने IPL क्रिकेट की ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने के आरोप में चंदौसी नगरपालिका के सपा सभासद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,00,000 कैश, 5 मोबाइल और 1 LED समेत सट्टा रजिस्टर बरामद किया है। सहारनपुर के मोहल्ला महादेव के मेन बाजार में गौरव ज्वेलर्स की दुकान पर सोना गिरवी रखने आए युवक ने नकली सोना देकर दुकानदार से 25,000 रुपए ठग लिए। दरअसल जिस वक्त ये शख्स दुकान में दाखिल हुआ था, उस वक्त दुकान पर दुकानदार का छोटा भाई मौजूद था, जिसे बेवकूफ बनाकर शातिर ने उससे 25,000 रुपए ठग लिए। फतेहपुर के सदर कोतवाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शराब की नशे में धुत एक गुट की वहां आए दूसरे गुट के साथ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। फतेहपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की
बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मारपीट और पॉइजन केस की दो गंभीर महिला मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में बेड तो दूर, स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।